खबरदार के इस एपिसोड में हैरत अंगेज करने वाली खबरें। देखिए इस तरीके से हैरत अंगेज, इस तरीके से केरल राज्य में जो पेड़ों के ऊपर चढ़ करके इनकी कटाई की जाती है, लगभग 80 मीटर से लेके 100 मीटर तक हाइट वाले पौधे को कैसे काटा जाता है, ये देखिए। इस तरीके से स्पेशल काइंड ऑफ जूते होते हैं जिसमें कि लोहे की नुकीला नुमा कील नुमा लगी होती है दोनों तरफ, उसके ऊपर स्टैंड किया जाता है। और ये है एक हैरत अंगेज करने वाले जांबाज जो अभी लगभग 60 मीटर की हाइट पर जो पेड़ है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और उसको बांधा जा रहा है। इस तरीके से हैरत अंगेज, साथ में कटर दराती रस्सी सुत्ती से बांधा जाता है एक तरफ अपने आप को, और पूरा उनको भरोसा होता है अपने ऊपर, ज़्यादा अपने काम। और जो रस्सी खास तौर पर मजबूत होती जो पूरा थाम के रखती है, कमर में बांध करके बेल्ट सूज और सब लगाया जाता है। और इसके बाद क्योंकि अगल बगल में मकान है, कई मकान में न गिरे इस तरीके से, बाई तरफ वो मकान इसके ऊपर न गिरे, इसीलिए उसको दोनों तरफ से बांधा जा रहा है। सीधे यदि इधर गिरेगा तो पूरा मकान डैमेज हो जाएगा, उसी को बचाने के लिए इस तरीके से कार्य। और सबसे बड़ी बात, इन पेड़ों को मैं देख रहा हूँ, अक्सर पौधे स्ट्रेट होते हैं और ज़्यादा मोटाई नहीं होती है लेकिन मजबूत होते। ख़ास तौर पर यदि मैं यहाँ के पेड़ों की बात करूँ, ये पौधा अनानास का है, ये देखिए अनानास भी लगे हुए। और यहाँ की भाषा में इसको कच्चा बोला जाता है, बताया जा रहा है। और अनेक पौधे बाई तरफ दाई तरफ जिसके लिए कि केरल को जाना जाता है, नारियल और सुपारी, अनेक ऐसे पौधे लगे हुए हैं। घरों की यदि बात करूं तो ये तमाम, और रबड़ के पौधे तमाम नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ घर हैं, इस साइड में सामने की तरफ घर है, उन घरों को देखते हुए उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि मस्कसबाजी करके, और खजूर के पौधे भी नज़र आ रहे हैं मुझे, उसमें उसके बगल में एक पौधा, और इस तरीके से हाइट में जा कर के अब उसको गिराने की तैयारी की जा रही है। हमारे स्टंट एक्सपर्ट हैं और दिखाएंगे आपको आगे हैरत अंगेज कि कहरनामों से अपने खबरदार में। और हमारा कहना यही है कि किसी को देख के आप स्टंट ना करें, सीखें और तब आगे स्टंट करें। और हमारी टैग लाइन, आप रहिएगा सावधान और होशियार, खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज। जय हिंद, जय भारत। हैरत अंगेज जुर्म और क्राइम खबरों के लिए देखते रहिए खबरदार एपिसोड महेश बहुगुणा के साथ।